नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में राष्ट्रपति के कार्यक्रम का ऐसा रहेगा शेड्यूल। मुंगेर व्यवसाय लूटकांड में पुलिस को 12 घंटे में मिल गई सफलता। पटना में कन्हैया, हार्दिक और जिग्नेश के आगमन की हो रही है तैयारी। छठ पूजा को लेकर पटना में 3 चरणों में होगी घाटों की सफाई। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर गिरिराज सिंह के सवाल पर बीसीसीआई का आया जवाब। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में सिर्फ एक जिले से मिले कोरोना के नए मामले। बिहार से अब कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल गया है, क्योंकि कई दिनों से यहां गिने चुने ही मामले देखने को मिल रहे हैं। वही रिकवरी रेट में भी बड़ा सुधार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,295 सैंपलों की जांच की गई। वहीं कुल मिलाकर इस दौरान 2 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें एक मरीज केवल मुंगेर जिले से मिले हैं, जबकि एक अन्य मरीज दूसरे राज्य के बताए गए हैं। इस दौरान 6 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 43 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है। बिहार डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी से की खास वार्ता। कश्मीर में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले के बाद वहां रह रहे बिहारी लोगों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। बिहार सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से वहां रह रहे बिहारियों को सुरक्षा को लेकर विशेष अनुरोध किया है। तो वहीं दूसरी तरफ डीजीपी एसके सिंघल ने भी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और वहां के डीजीपी से बातचीत की है। इसके साथ साथ उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र में बिहार के लोग रहते हैं या काम करते हैं, उन्हें चिन्हित करके विशेष सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए जाए, साथ ही पुलिस की गश्ती भी हो। डीजीपी के अलावे सूबे के सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस बाबत जम्मू कश्मीर के अफसरों से बातचीत की है। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार के कई हिस्सों में बीते दिन झमाझम बारिश होती रही और आज भी कई हिस्से में सुबह से ही बादल घुमड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से के साथ ही पश्चिम बंगाल से होते हुए ओडिशा तक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव बिहार के अधिकांश हिस्से में दिखाई दे रहा है। इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से तेज हवा, वज्रपात के साथ ही कई जगहों पर तेज तो कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बिहार में मौसम के ऐसे ही बने रहने का अलर्ट किया है। 21 अक्टूबर के बाद मौसम फिर शुष्क होने का अनुमान है। वहीं आज के लिए सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, पूर्णिया सहित राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा, वज्रपात के साथ भारी बारिश के आसार हैं। बिहार में राष्ट्रपति के कार्यक्रम का ऐसा रहेगा शेड्यूल। कल यानी कि बुधवार दोपहर 1 बजे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजधानी पटना पहुंचेंगे। बताते चले कि राष्ट्रपति का यह दौरा 21 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम को लेकर हो रहा है, जिसके तहत राष्ट्रपति का कार्यक्रम में शेड्यूल जारी हुआ है। इसके तहत राष्ट्रपति के कार्यक्रम को काफी छोटा रखा गया है। गुरुवार को वे शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में विधानसभा भवन में केवल 70 मिनट तक ही रुकेंगे। वे 10:50 पर विधानसभा परिसर में पहुंच जाएंगे। वहीं 10:52 शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं 11 बजे विधानसभा परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा लगाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11:10 पर मुख्य मंच पर पहुंचेंगे, जिसके बाद सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का स्वागत भाषण होगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 मिनट तक अपना भाषण देंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन होगा। तो वहीं सीएम के बाद राज्यपाल फागू चौहान और अंत में राष्ट्रपति खुद अपना संबोधन देंगे, जो कि 11:46 पर होगा। रेरा ने पटना के साई इनक्लेव में फ्लैट बुकिंग और बिक्री पर लगाई रोक। राजधानी पटना में घर लेने का सपना रखने वाले लोग अगर जांच पड़ताल करके घर को नहीं लेते हैं तो उन्हें आगे चलकर नुकसान हो सकता है, क्योंकि पटना के कई बिल्डर व बिल्डिंग कंपनियों में गड़बड़ियां पाए जाने के कारण रेरा की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। रेरा ने अब पटना के निर्माणाधीन साई इनक्लेव में फ्लैट की बुकिंग और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। हाल ही में ऐसी कार्रवाई पटना के हीरा पन्ना इंफ्रा पर भी की गई थी। बताते चले कि साई इनक्लेव श्री आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है। इसके नक्शे को लेकर कई गड़बड़ियां पाई गई थी, जिस पर रेरा ने कंपनी से जवाब भी मांगा था, और अब रेरा की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके फ्लैट की बिक्री या फिर अनुबंध पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया है। मुंगेर व्यवसायी लूटकांड में पुलिस को 12 घंटे में मिल गई सफलता। बिहार के मुंगेर जिले में बीते दिन सोमवार को सादीपुर मस्जिद के पास शहर के बड़े व्यवसायी से 2 अपराधियों ने हथियार के दम पर 49 लाख नगद लूट लिए थे। इस घटना के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर लूट में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस दौरान पुलिस ने लूट की रकम को भी हासिल कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना तब हुई थी जब व्यापारी बैग में रुपए भरकर उसे जमा
करवाने के लिए बैंक जा रहा था। व्यापारी ने FIR में 49 लाख की लूट की शिकायत की थी, जबकि पुलिस को गिरफ्तार अपराधियों के पास से 44,14,000 के करीब रुपए मिले हैं। छठ पूजा को लेकर पटना में 3 चरणों में होगी घाटों की सफाई। बिहारी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा अब महज 17 दिनों के बाद मनाया जाना है। ऐसे में गंगा किनारे बसे पटना के घाटों की साफ सफाई को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसे लेकर नगर आयुक्त ने घाटों की सफाई को 3 चरणों में पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक घाट व तालाब के लिए 10 सफाई मजदूर व 1 सफाई पर्यवेक्षक रहेंगे। 8 नवम्बर तक घाट का निर्माण, समतल संपर्क पथ का निर्माण, पार्किंग व रोशनी की व्यवस्था करनी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से घोषित खतरनाक घाट को लेकर लोगों को अवगत कराना है। बताते चले कि पाटलिपुत्र अंचल में 16, नूतन राजधानी अंचल में 1, बाकीपुर अंचल में 18, अजीमाबाद अंचल में 13 व पटना सिटी अंचल में 25 घाटे हैं, तो वहीं शहर में निगम की तरफ से अस्थायी घाट भी बनाए जाएंगे। गया की रहने वाली सरीना अहमद कम उम्र में विदेशों में बनाई पहचान। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है हुनरबाजों को एक मंच मिलने की। ऐसे ही एक हुनरबाज बच्ची गया की रहने वाली है, जो 15 साल की सरीना अहमद नाम की बताई गई है, जो कि अपनी गायकी से विदेशों में छाई हुई है। सरीना हुबहू इंग्लिश सिंगर की तरह गाने गाती हैं और आजकल इनकी गायकी को भारत से ज्यादा अमेरिका, साउथ अफ्रीका सहित दर्जनों देशों में सुना जा रहा है। साउथ अफ्रीका में एक मैगजीन में सरीना का प्रोफाइल भी पब्लिश किया गया है, तो वहीं फिलीपींस रेडियो ने भी गया की सरीना अहमद का इंटरव्यू रेडियो पर प्रसारित किया है। अमेरिका से भी सरीना को बुलावा आया है, हालांकि वो चाहती है कि बिहार सरकार उन्हें प्रमोट करे, जिससे कि वह अपनी पहचान बिहार और देश से बना सके। बताते चले कि सरीना को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने भी सम्मानित किया है। मोतिहारी पहुंची मुंबई पुलिस, वापस लौटी मुंबई। आर्यन खान केस को लेकर बिहार के मोतिहारी जेल में बंद 2 तस्करों से पूछताछ को लेकर मुंबई पुलिस बीते दिन ही उन्हें मुंबई ले जाने के लिए आई थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच टीम को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा है। दरअसल मुंबई के रहने वाले 2 तस्कर मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद है, जिनके तार आर्यन खान केस से जुड़े हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ को लेकर क्राइम ब्रांच उन्हें मुंबई ले जाने वाली थी, इसके लिए रिमांड भी मिल चुका था, मगर जेल अधीक्षक ने कागजात की छानबीन के बाद ही दोनों तस्करों को सौंपने की बात कही है। फिलहाल रिमांड के लिए कागजातों की छानबीन जारी है, जिसके बाद ही मोतिहारी जेल में बंद दोनों तस्करों को मुंबई स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ लेकर जाएगी। पटना में कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी के आगमन की हो रही है तैयारी। कांग्रेस की तिकड़ी आने वाले 22 अक्टूबर को पटना पहुंचने वाली है, जिनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसके लिए स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालने आ रहे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये सभी नेता पहली बार बिहार पहुंच रहे हैं, इसलिए इनके स्वागत भी जोरदार तरीके से किए जाएंगे। इन दिनों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा रोड शो भी आयोजित होगा। इस दौरान पटना की सड़कें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारों से गूंजती हुई दिखेगी। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर गिरिराज सिंह के सवाल पर BCCI का आया जवाब। कश्मीर में दहशतगर्दों द्वारा बिहार के मजदूर की जान लेने के बाद एक बार फिर से इन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को लेकर देश भर में गुस्सा फैल रहा है। इस बीच 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाले हैं, जिसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। बीते दिन ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मैच पर फिर से विचार करने की बात कही थी। इस बात पर अब BCCI का बयान आया है। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने ANI को बयान देते हुए और भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की घटना दुखद और निंदनीय है, मगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच ICC के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत होता है, जिसे कोई भी देश खेलने से मना नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि ICC के टूर्नामेंट में खेलना ही होता है। ऐसे में अब साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में कोई रोक नहीं लगेगी। राजद सांसद मनोज झा ने कांग्रेस को कहा संघी। बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए महागठबंधन में आई दरार भी जनता के सामने आ रही है, और अब यह दरार आरोप प्रत्यारोप के साथ ही और गहरी होती जा रही है, जिसके बाद इसमें संदेह नहीं कि महागठबंधन की कांग्रेस और राजद में कब टूट हो जाए। कांग्रेस ने पहले राजद को BJP से समझौता करने की बात कही थी, जिस पर अब राजद के वरीय सांसद मनोज झा ने भी पलटवार किया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने एक बयान में कहा था कि RJD BJP के साथ समझौता कर है। इसे लेकर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पलटवार करते हुए उन्हें ही संघी ठहरा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास संघ विचारधारा के हैं, और यही कारण है कि वह इस तरह का बयान दे रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने प्रचार के दौरान मछली फंसाते हुए आई नजर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों तारापुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार में भिड़े हैं और इस दौरान वे गांव-गांव में घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव धान के खेतों को देखने चले गए, तो वहीं तेजस्वी यादव उस समय हवेली खड़गपुर के टेटिया बंबर और तारापुर के बंबर गांव में थे। इस दौरान तेजस्वी का काफिला एक मछली पकड़ रहे कुछ बच्चों के बीच रुका, जहां तेजस्वी भी बच्चों के साथ बंसी से मछली मारने लगे। तो वही मछली पकड़ने का यह वीडियो तेजस्वी ने फेसबुक पर भी डाला और उसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा कि आज नीतीश कुमार की स्टाइल में छोटी मछली को पकड़ा है, पर जब सरकार में आएंगे तो बड़ी मछली आई, यानी कि पर्दे के पीछे के असली भ्रष्ट खिलाड़ियों को पकड़ेंगे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं टर्म एक परीक्षा की डेट शीट हुई जारी। केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने बीते दिन 10th और 12th बोर्ड की टर्म एक परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। इसके तहत 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी और 11 दिसंबर तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 से 18 दिसंबर तक चलेगी। इसके अलावा 10वीं के माइनर सब्जेक्ट में आने वाले फाइन आर्ट्स व अन्य स्किल सब्जेक्ट की परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होगी। वहीं 12वीं के माइनर सब्जेक्ट की परीक्षा 16 नवंबर से शुरू होगी। बताते चले कि सीबीएसई की ओर से मौसम को देखते हुए परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है। इस बार 10वीं और 12वीं की टर्म एक परीक्षा 11:30 बजे से शुरू होगी। साथ ही 90 मिनट तक की इस परीक्षा में विद्यार्थियों को इस बार पेपर पढ़ने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। दुबई के मैडम तुसाद में कप्तान विराट कोहली का लगा दूसरा स्टैच्यू। भारतीय टीम के पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप मैच से पहले दुबई के मैडम तुसाद में कप्तान विराट कोहली के मोम के पुतले का अनावरण किया गया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटरों में से एक है। दुबई के मैडम तुसाद में विराट कोहली के मोम के पुतले का अनावरण किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स विराट कोहली के मोम के पुतले की तस्वीर शेयर करते हुए दिखे। गौरतलब है कि यह विराट कोहली का दूसरा मोम का पुतला होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 से पहले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में विराट कोहली का पहला मोम का पुतला लॉन्च किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार के लोगों के पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या बड़े उपाय कर सकती है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।